साफ सफाई कर रहे हैं घाट जो आज छठ पूजा के लिए। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। तो कैसे हैं आप लोग? तो आज हम, जैसा कि आपने पिछले वीडियो में देखा था कि हमने आपको पूरा टूर कराया था ये छठ पूजा घाट का, तो आज हम लोग यहीं से ब्लॉग स्टार्ट कर रहे हैं और साफ सफाई करेंगे लोग और छठ पूजा के लिए, जिसमें कोई बर्तियों को दिक्कत ना हो। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, हम लोग काफ़ी साफ सफाई कर रहे हैं घाट जो आज छठ पूजा के लिए, तो सारे भाई लगे हुए हैं और हम भी अभी साफ सफाई करेंगे। हेलो गाइस, फाइनली हम लोग अब यहाँ से निकल रहे हैं गांगी घाट के लिए, तो चलिए वहाँ पर भी चलकर देखते हैं क्या क्या हो रहा है। पहुंच चुके हैं आरा का गांगी छठ घाट और यहाँ पर हम लोग दिखाते हैं यहाँ का व्यू क्या है और कैसा यहाँ पर घाट बनाया गया है। तो चलिए आइए चलते हैं। ये देख रहे, ये रहा यहाँ का सूर्य मंदिर। तो चलिए आइए चलते हैं नीचे और देखते हैं क्या क्या घाट, कैसे घाट बनाया गया है। गाइज, अभी हम लोग खड़े हैं गांगी घाट पर और देख रहे हैं उधर साइड में ये सूर्य मंदिर रहा और वो रहा ब्रिज और ये नदी से घाट पर टहल रहे हैं। जय हमारे भाई सुबोध, और हम लोग छठ घाट पर बैठे हुए हैं। तो सबसे पहले छठी मैया की जय। तो आज हम आप लोगों को बताने वाले हैं कि जो ये चैती छठ पूजा है, ये जो चैती छठ पूजा है 4 दिवसीय छठ पूजा है जो 12 अप्रैल से स्टार्ट होकर 15 अप्रैल तक चलेगा, और ये विक्रम संवत के चैत्र महीने में पड़ा है, इसलिए इसे हम चैती छठ पूजा कहते हैं। तो 12 अप्रैल को नहाए खाए है और 13 अप्रैल को खरना है और 14 अप्रैल को संध्या अर्घ है और 15 अप्रैल को जो सुबह में सूर्य देवता का अर्घ देते हैं वो है, और इसके बाद हम लोग पारण करते हैं। तो बात ये होता है कि जो चैती छठ पूजा होता है, आखिर ये क्यों मनाया जाता है? तो मान्यता यह है कि चैती जो छठ पूजा होता है, ये अधिकतर महिलाएं मनाती हैं अपने बच्चों के लिए, कि ताकि उनका जीवन अच्छा रहे और वो पढ़ने में और जो भी उनका लाइफ हो अच्छे से चले और उनका फैमिली भी पूरे अच्छे से रहे, इसलिए वो सूर्य देवता को अर्घ देती हैं। और जो महिलाएं होती हैं वो सुबह से लेकर शाम तक बिना कुछ खाए पिए ही जल में खड़ी रहती हैं और सूर्य देवता को अर्घ देती हैं। और ये एक तरह से कठिन पर्व भी कहा जाता है, क्योंकि इतने कम ही लोग होंगे जो मतलब खाए पिए जल में खड़े रहते हैं, और जितने भी ऐसे छठी व्रती लोग हैं वो ऐसा छठ पूजा करते हैं, वो बहुत ही उन्हें मैं धन्यवाद मानता हूँ। और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए धन्यवाद।